तो गाइस आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह को दिखाने वाली हूँ जो कि है हमारा पुराना घर। गाइस वो वाले घर में हमारी इतना चाइल्डहुड मेमोरीज है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जब तक मैं 8, 9, 10 तक मैं वहीं पर ही सोती थी दादी दादू के साथ। मतलब जब तो जो विंटर हॉलीडेज़ होती है ना 3 मंथ्स की, तब तो मैं पीछे वाले घर में ही होती थी हर वक्त। वहीं खाना, वहीं सोना, सब कुछ वहीं पर ही। और हम जब वहाँ पर रहने, मतलब जब हमारा नया घर भी बना तब भी हम खेलने वहीं जाते थे। वहाँ पर दादी ने रस्सी वगैरह बनाई होती थी तो उसका हमने झूला लगाया होता था, जो लकड़ी का वो होता है पिल्लर सा होता है उसमें। तो जब भी हम घर आते थे तो मेरे को ये होता था कि मैं पुराने घर का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन हम 1-2 दिन के लिए आते थे तो मैं बना ही नहीं पाई कभी। लेकिन इस बार हम काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए आए हैं तो मेरे को लगा कि मैं आपको वो भी दिखा दूँ, क्योंकि नए घर का होम टूर तो मैंने आपको दे ही दिया था। तो जो हमारा पुराना घर है वो नए घर के साथ अटैच्ड नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो वाले होम टूर में पुराना घर नहीं दिखाया था। और मैं इसलिए भी पुराने घर का होम टूर दे रही हूँ क्योंकि नए घर का अब सबको पता है कि कैसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने घर है वो अब कहीं कहीं पर ही रह गए हैं। तो मेरा यही मोटिव है इस वीडियो के थ्रू कि मैं आपको दिखाऊं कि पुराने घर, पुराने टाइम में कैसे घर हुआ करते थे, कैसे रूम्स होते थे, कैसे रसोई वगैरह होती थी, किचन वगैरह होती थी। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग के थ्रू। तो मेरे व्लॉग में बने रहना एंड तक, और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मैं आपको जल्दी मिलती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ वहाँ, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इधर है हमारा नया घर, यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने पुराने घर। पुराने घर के एंट्रेंस, यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई है। गाइस यहाँ एंट्रेंस में आती ही, अंदर आते ही पहले वॉल्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वॉल्स ना लकड़ी की बनी है और उसके बाद मिट्टी लगाई है, फिर ये पेंट किया गया है। तो यहाँ से आते ही आप देख सकते हो ये वुडन पिलर्स है और इनके साथ पत्थर की दीवारें हैं, ऐसे जैसे करके इनको असेंबल किया गया है। और इसी के साथ जो ये फर्स्ट में है, यहाँ पर हमारी गाय को रखा जाता था, इसे ओबरा कहते हैं। और इसके ऊपर ये वुडन वर्क की है, और जो ये डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये हैंडमेड है, मतलब हाथ से बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। साथ ही यहाँ पर एक और विंडो है, ये एक रूम की ही विंडो है जिसे पांड कहते हैं। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मैं बाहर से आपको दिखाना चाहती थी कि किस तरह से है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लॉक पहले किस तरह से होते थे। अरे खुल भी गया भाई, बहुत छोटा दरवाजा है। तो मैं आपको यहाँ पर लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, आ जा। तो भाई गाय कैसे रहती थी। गाइस यहाँ पर बहुत छोटा सा दरवाजा है और आप देख सकते हो, मुझे आज भी याद है, यहाँ पर हमारी गाय बंधी होती थी और यहाँ पर जो उसके बच्चे वगैरह होते थे, जैसे बच्ची होती थी वो रखी होती थी। पहले तो यहाँ पर लाइट थी, अब शायद नहीं है, और यहाँ पर अभी ऐसे रखा हुआ है क्योंकि अब हमारे पास गाय है नहीं है। और यहाँ पर कुछ खेत का सामान रखा है। गाइस बहुत ही ज़्यादा छोटा डोर है, गाय कैसे जाती है इसके अंदर। तो इसी के सामने ही यहाँ पर एक और डोर है, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। शायद अब यहाँ पर भी लाइट नहीं है, यहाँ पर हम छुपने आते हैं जब छुपना छुपाई खेल रहे होते हैं। ये भी छोटा सा ही रूम है, रूम तो क्या, ऐसे स्टोर सा ही है। और यहाँ पर भी हमने स्प्रे वगैरह का सामान रखा है। ये होती थी पुरानी पैडल मशीन जिसके बारे में मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता रही थी, इसमें ना यहाँ ऐसे पैडल मारते थे फिर जाके स्प्रे होती थी। अब लेकिन पावर स्प्रेयर आ गया है, ये देख सकते हो पावर स्प्रे। और इसमें भी मिट्टी लगाई है, ये जो दीवार पर ये पेंट भी है ये मिट्टी है, जो लक्कड़ है उसके बाहर मिट्टी लगाई गई है, और ऊपर भी वुडन ही है, वुड ही है मतलब।
तो यहाँ पर इतना ही है, बिस्तर तो भी झुक के वाला। इसी डोर के सामने जिस जहाँ पर मैंने आपको ऊपर दिखाया था उसी सेम वॉल पे एक और डोर है जहाँ पर आप लॉक देख सकते हो किस तरह का है। और ये पता है ये ना शायद उसके लिए होता था, किसी की नज़र ना लगे वाली वो है, तो वो उसके लिए था शायद, इतना मुझे याद है। और इसमें आप देख सकते हो कितना सुंदर वुडन वर्क है पूरे डोर में। यहाँ पर अभी हमने लकड़ियाँ रखी हुई है। पहले ये वाला जो रूम है ये होता था घास के लिए, घास होता था, भूस भी बोलते हैं उसके लिए होता था, गाय के लिए इसमें घास होता था पूरा पीछे तक रखा हुआ। और यहाँ अभी हमने पूरे में लकड़ियाँ रखी है और थोड़े से सामान ही है, और ऊपर भी यहाँ पर भी वुड ही है, और दीवार सेम है, लकड़ी की दीवार है और उसके बाद मिट्टी लगाई गई है। जहाँ लाइट नहीं है ना अभी मैं आपको यहाँ से। तो इसी के साथ ही इस तरफ है ये ना, इसको कोठार बोलते हैं, इसमें ना अनाज वगैरह रखा होता था, शायद अभी भी रखा है, तभी इतना बड़ा ताला लगाया है, थोड़ा बहुत सामान रखा होगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर ना हम बैठते थे, इसको शायद क्या बोलते हैं, पीढ़ी बोलते हैं, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बैठा करती थी दिन के टाइम में, क्योंकि यहीं ये वाले घर में ना इस तरफ धूप आती है और जो सामने वाली बालकनी है वहीं दो जगह पर धूप आती है, तो हम यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर कुछ भी पानी के लिए नल लगाया गया है। और इसके साथ है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, और जो ये है ये जैसे छोटे बच्चों के लिए लगाते हैं ना ताकि गिर ना जाए सीढ़ियों से, तो ये शायद हमारे लिए लगाया था कि गिर ना जाए। स्टेयर्स में ऊपर आते ही मुझे ये कभी समझ नहीं आया ये क्या है, और ये पता नहीं क्या बनाया है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पर था शू रैक, अभी दादू के शूज़ है और बस थोड़े बहुत शूज़ है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर मिरर है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है। और अब मैं आपको इस तरफ का दिखाती हूँ, पहले यहाँ से दो जगह दो साइड से, एक इस तरफ एक इस तरफ है, तो यहाँ पर भी रूम है और किचन इस तरफ को थी, तो मैं आपको पहले ये वाली साइड दिखाती हूँ। इस वाली वॉल पे भी आप देख सकते हो आज तक वुडन वर्क है और उसके ऊपर ये दीवार पे मिट्टी का ही पेंट किया गया है। और यहाँ पर है ये सीक्रेट डोर, इसे कहते हैं तीरा पहाड़ी भाषा में, जो कि स्टोरेज के लिए ही होता था, यहाँ पर सामान वगैरह रखा है दादी ने, ये पिंस वगैरह रखी है जैसे कपड़ों में लगाने के लिए, और ये रखा है झाड़ू, छोटा झाड़ू, शूटी बोलते हैं इसमें। और क्या है, ये बांस रखी है, लकड़ियाँ वगैरह काटने के काम भी आती है, और रस्सी रखी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। दिखा कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें, इनको क्या ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर भी। तो इसको बंद करते ही यहाँ पर सबसे पहले एक डोर है जहाँ पर गैस वगैरह रखा है, तो मैं इसको खोल लेती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं कौन सी चाबी किसकी है। अब पल्ली दीदी से नहीं खुल रहा था तो क्रिश खोल रहा है अभी से। तो हमारे पास फाइनली गेट खुल गया है, मतलब दरवाजा खुल गया है गेट का, यहाँ तो है लाइट। हाँ यहाँ है लाइट। तो गाइस यहाँ पर जो पूरी वॉल पे आप देख सकते हो किस तरह का वुडन वर्क है, और यहाँ पर गैस है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है अभी, और यहाँ पर है दादी ने छन्नी वगैरह रखी है, तीन छन्नी, और इधर लाइटर है, यहाँ से विंडो है बाहर देखने के लिए, और इधर भी सारी जगह पे विंडो ही विंडो है। तो ये बेसिकली काफ़ी टाइम से हमारा किचन था, और ये अलमीरा में बर्तन वगैरह रखे होते थे, शायद अभी भी है। हाँ ये देख सकते हो अब यहाँ पर शीशे की ग्लास है, स्टील के ग्लास है, दाल वगैरह है, और कौलिया वगैरह भी है, और भी बहुत सारी ग्लास है। और इसमें ना दादी ने बहुत सारी चीज़ें रखी होती थी, ये शायद सुई चम्मच का डब्बा है, गाइस देख सकते हो आप इतनी सारी चम्मच है, इतनी तो हमारे नए घर में भी है शायद। ओ भाई, और इधर सामान ही सामान है, अब इस इन थैलों में पता नहीं क्या होगा, वैसे तो खाने का ही सामान है पूरी उसमें। इधर कैची वगैरह रखी है, ये रखे है प्लास, गाइस इतना ही है मेरा।
और यहाँ पर रखा होता है शायद आटा, जितना मुझे याद है, दिखा देती हूँ फिर भी। ये देखो कितना अच्छा है ये। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, इसमें शायद ऐसे रखते थे पहले चावल आटा वगैरह, अब सारी जगह पे आटा ही आटा है। तो इस रूम में बस इतना ही है, इन कट्टों में बताने क्या भरा हुआ। नीचे भी यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छा बिछाया नहीं है, अभी जब यहाँ पर हम रहते थे तब बड़ा ही अच्छा होता। तो यहाँ से सामने आते ही एक बालकनी सी है, मतलब पूरा बरामदा सा है, और ये है बालकनी। इसके अंदर है लकड़ी वाली किचन, जिसका डोर मैंने पहले खोल दिया था। इसका डोर कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, और वैसे ही लॉक जैसे नीचे वाले उसमें था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है शेल्फ, यहाँ पर सामान रखा होता था। और ये इसमें ना गाइस ऐसे, मतलब जैसे अदरक वगैरह कूटने के लिए होता है ना, वैसे था। इसमें हम चटनी वगैरह भी बनाते थे। मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, क्योंकि अदरक के लिए इतना बड़ा वो तो नहीं होता है, लेकिन इसमें हम चटनी वगैरह बनाते थे पहले। और यहाँ पर भी झाड़ू रखे हुए हैं छोटे छोटे वाले। आ जाओ, इस तरफ से पूरी बालकनी से मंदिर का व्यू दिखता है। और यहाँ पर सामने भी आप देख सकते हो पुराने लकड़ी वाले घर हैं, लेकिन इनमें अब कोई भी नहीं रहता है। ये वाले जिनका ये घर है वो पारवाले गाँव में शिफ्ट हो गया है। और उस तरफ है शाड़ी, जिसमें सब्जियां वगैरह लगाई होती है, और ये शायद आड़ू का पेड़ है। जो सामने दिख रहा है वो आड़ू का पेड़ है, जो दिख रहा है आपको सामने बिल्कुल। और अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये है हमारी आग वाली किचन, गाइज यहाँ की लाइट का कनेक्शन ना अंदर वाले कमरे से, जो अभी हमने ओपन नहीं किया है। और यहाँ पर है शेल्फ, और इसी के साथ यहाँ पर आग के लिए वो बनाया गया है, चूल्हा बनाया गया है, चूल्हा। और गाइज ये जो पूरा चूल्हा है, इसमें नीचे पत्थर लगाया होता है, और उसके बाहर से ना जो मिट्टी मिलती है इसकी ना, उसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, वो लगाई जाती है इसमें। तो ये भट्टू रखा गया है, हमेशा ये होता है कि ऐसे मानते हैं कि जब भी चूल्हा होता है और उसके ऊपर ना हमेशा भट्टू रखना चाहिए, और पानी से भरा हुआ। तो यहाँ पर भी रखा है, यहाँ आजकल हम है भी नहीं है फिर भी रखा है। और इसके पीछे हमने लकड़ियाँ रखी है, यहाँ से पाइप है जो आग की, और इसके ऊपर बोलते हैं चांडा। इसमें भी बर्तन वगैरह रखे होते थे पुराने टाइम में, लेकिन अब नहीं है। और गाइज ये है पुराने टाइम का तवा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत भारी है। इस पे ना देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5 रोटियां तो बनी जाती होगी एक टाइम पे। और ये है, इससे पूरी वगैरह जब बनाते हैं तो वो पोल्डू बनाते हैं, तो वो निकालने के लिए है। और ये है जैसे कोई सामान जैसे गर्म होता है, गैस वगैरह से निकालते थे, जैसे अगर भट्टू भी गर्म होता है तो उसे ऐसे करके, देख सकते हो आप, इस पर ये ऐसे रह लेता है। तो उसके लिए होल्डर है ये नीचे रखने के लिए, ताकि गिरे ना बर्तन। और अब मैं आपको, ये है चिमटा वगैरह, ये तो आपने देखा ही होगा, आग के लिए होता है, आग के यूज़ में ही आते हैं ये, लकड़ी वगैरह को इधर उधर ऐसे ऐसे करने के लिए होते हैं जब गर्म होगा। और ये होता है फूंक मारने के लिए ऐसे करके। तो इस तरफ यहाँ पर हमेशा मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरे को जितना याद है छुरियाँ वगैरह ऐसे रखी होती थी उल्टी, ताकि वो फंस जाए यहाँ पर। और यहाँ भी पूरी लकड़ियाँ है। और सामने वाली वॉल में ये अटैच्ड है हमारी चाची के घर से, उनकी इस तरफ को किचन है, हमारी भी इस तरफ को किचन थी। तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि चाची भी अपनी किचन में, मतलब जो दादी है उनकी सास, वो भी किचन में खाना बना रहे होते थे, हम भी यहाँ पर बैठे होते थे, तो हम यहीं से बात कर लेते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है। और इधर तो कुछ नहीं है, ये है पटरा, ये तो आपके सबके घर में होगा, यहाँ बैठने के लिए है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर वाली साइड को, मतलब दूसरी तरफ को, जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो गाइस इस वॉल पे यहाँ सामने आते ही ये लगाए गए हैं, ये क्लोथ्स होल्डर है एक तरह से, क्लोथ्स को हैंग करने के लिए था ये पूरा इधर से इधर तक। क्योंकि उस टाइम पे जो अब हुक्स वगैरह आ गए हैं कपड़े डालने के जो होते हैं, वो उस टाइम पे नहीं होते थे, तो इसलिए ये है, देख सकते हो बिल्कुल ढीले हो गया पर ये। और इसी के साथ यहाँ पर है जहाँ पर बर्तन वगैरह धोते थे, तो यहाँ भी थोड़े से ही बर्तन रखे हैं।
तो उस टाइम पे यहाँ नीचे से जहाँ मैंने आपको नलका दिखाया था वहाँ से पानी लाया जाता था, फिर यहाँ बाल्टियों में भरा जाता था। इस तरफ को दादी ने प्रेशर कुकर वगैरह के ढक्कन रखे हैं और इस तरफ पे बड़ा भड्डू है, इधर प्रेशर कुकर वगैरह है, तो बर्तन धो के यहाँ पर रखे जाते थे। और यहाँ पर अब पानी का कनेक्शन रख लिया है, लेकिन इसमें पानी अभी भी नहीं आ रहा है गाइस। तो ऐसे नहाना वगैरह भी यहीं होता था पहले के टाइम में, ऐसा कोई स्पेशल वॉशरूम नहीं था। और इस तरफ भी देख सकते हो अब यहाँ पर जैसे तेल वगैरह, शैम्पू, ब्रश वगैरह रखे जाते थे। तो अब मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। तो इस तरफ आते ही इस वॉल पे है अलमीरा जिसमें कपड़े होते थे, लेकिन अब ये खाली है। छोटी सी अलमीरा है लेकिन कपड़े तो बहुत आ जाते थे इसमें, तीन वो है बॉक्स है। पहले मैं आपको लेफ्ट साइड दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको अभी अलमीरा दिखाई इसी के सामने है एक रूम जिसे हम बैठक कहते हैं। तो बैठक का मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बैठक है। तो गाइस बैठक में हम जब गर्मी होती थी तो हम यहाँ पर बाहर सोने आ जाते थे, क्योंकि ये वाले रूम में उतनी गर्मी नहीं होती है। जो अंदर वाला रूम है वहाँ हम सर्दियों में सोते थे। और यहाँ पर ट्रंक्स वगैरह है, ये दादी दादू के ही ट्रंक्स है, इनमें भी सामान होगा, कपड़े वगैरह ही होंगे, क्योंकि पहले इतनी अलमीराज नहीं होती थी, पहले ट्रंक का ही ज़माना था। और इसे अटैच ही बोलते हैं, ये भी आपने देखी होगी, इसमें भी आप देख सकते हो कपड़े वगैरह ही हैं। और यहाँ पर है फ़ोटो दादू की बहुत सारे देवताओं के साथ। और इस तरफ दादू ने टोपियाँ रखी है, मास्क देखो गाइस कितने सारे मास्क रखे हैं यहाँ पर। और ये भी दादू का ही सामान है, इस टेबल पे भी दादू का ही सामान है। और इस तरफ एक विंडो है भाई, देख सकते हो आप गाइस, यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। पहले वाला घर नहीं बना था चाचू का, अब बन गया, इससे पार वाला गांव दिखता था जो सामने हमारे गांव के साथ एक और गांव है, मतलब हमारे गांव का ही पार्ट वो दिखता था यहाँ से। पर आप ये शीशे देख सकते हो, ये ना ट्रांसपेरेंट शीशे नहीं है, ये मिरर है, लेकिन ये थोड़े से जिनसे दिखे ना ओपेक टाइप्स है। और यहाँ पर ये कर्टन सर गए हैं इस वॉल पे, पूरी वॉल पे है विंडो इधर से उधर तक। अब मैं आपको इस वॉल का दिखाती हूँ, यहाँ पर दादू ने मोदी जी का चार्ट लगाया है, कैलेंडर आई मीन। और यहाँ पर दादू की रिटायरमेंट की फ़ोटो है, ये इनके ऑफिस का स्टाफ है, ये दादू है, ये दादी है, और बाकी ये ऑफिस स्टाफ है। और ये दादू की फ़ोटो है मॉल पे शिमला में। और इसी के साथ ये वाली फ़ोटोज़ भी रिटायरमेंट के टाइम की है, ये है बुआ के परिवार वाले, छोटी बुआ के परिवार के, और ये है बड़ी मम्मी, बड़े पापा, भैया, दादू दादी, और ये है हम लोग, ये मैं हूँ, ये क्रिश है, और ये है पारुल दीदी, और ये हमारे मम्मा पापा है, दादू दादी है। और इस तरफ ये दादी के भाभी है, ये दादू है, ये बुआ के बेटे हैं, और ये हमारी बड़ी बुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और फ़ोटो है जो कि है छोटी बुआ और मामू की शादी के टाइम की है ये फ़ोटो। आप देख सकते हो बुआ ने जो पहना है इसे जुड़की कहते हैं, तो उस टाइम शादी के टाइम पे ना जुड़की पहनते थे। ये देख सकते हो आप दादू दादी के जवानी की फ़ोटो है ये, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट होती थी, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हैं, क्योंकि जब भी हम अपने दादी दादू को देखते हैं तो वो एक ऐसी सर्टेन एज में पहुंच के होते हैं, मतलब ऐसी वाली एज नहीं होती है वो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है देख के, है ना। तो यहाँ पर भी मिरर लगे हुए, लेकिन इनसे कुछ भी रखा था, मतलब जैसे रजाइयाँ होती है और गद्दे वगैरह होते हैं वो इस तरफ रखे हुए हैं। तो ये वाले रूम में बस इतना ही है, और नीचे अभी स्पंज बिछाया है, वैसे तो ये वाला लकड़ी का फर्श है, ये देख सकते हो आप पूरा लकड़ी का फर्श है, तो यहाँ स्पंज बिछाया है। अब मैं आपको बाहर ले चलती हूँ दूसरे रूम की तरफ, मैं आपको दिखा देती हूँ अलमीरा से ऊपर, यहाँ देख सकते हो आप, ये भी स्टोरेज के लिए, यहाँ भी दादी ने बर्तन वगैरह रखे हैं, और इस तरफ भी स्टोरेज के लिए। और यहाँ देख सकते हो आप रूम के ऊपर पूरा जो स्पेस है वो यहाँ पर सामान के लिए ही था, यहाँ पर बहुत सारा सामान होता था पहले। और यहाँ से सामने आते ही यहाँ भी देख सकते हो आप पूरा जो छत के नीचे वाला पार्ट है उसमें ये स्टोरेज के लिए सामान के लिए रखा हुआ है।
और ये है दूसरा रूम, इसी के साथ यहाँ पर मिरर है, तो इस रूम में भी मैं आपको ले चलती हूँ। तो मैं आपको लेफ्ट साइड से पहले रूम दिखाती हूँ। लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्विच वगैरह है और इस तरफ यहाँ पर टीवी है, टीवी के साथ टेबल है, उसके नीचे यहाँ पर भी सामान वगैरह रखा है। और ये माला है, ये जैसे रिटायरमेंट वगैरह के टाइम की मिली है, इसमें वैसे तो नोट लगे होते लेकिन वो तो निकाल दिया है। और यहाँ पर ये हैंगिंग के लिए सामान हैंग करने के लिए वो लगाया गया है, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोल, होल्डर बोलते हैं यार, चलो सामान होल्ड करने के लिए होल्डर्स लगाए हैं। गई दे देखो तलवार निकाल दे ना, ये तो हाँ लेकिन ये वो नहीं है, मतलब ऐसे तेज धार वाली नहीं है, हैवी तो बहुत है। चलो इसको मैं रख लेती हूँ वापस। और इस तरफ को यहाँ पर मंदिर है इस वाले डोर के अंदर, तो मैं उसको नहीं ओपन करूँगी। और यहाँ पर है विंडो, यहाँ दादू ने अपनी दवाइयाँ वगैरह रखी होती थी, अब वो नए घर में ही सोते तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है। ये स्पेक्स वगैरह भी दादू की है, और जहाँ पर तो दादू वगैरह होते हैं वहाँ पर टॉर्च तो ज़रूर ही होती है, लेकिन ये ख़राब हो गई है और ये दादू की कमी है छोटी छोटी सी। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर किस तरह का डिज़ाइन है, और उसके बाहर बाद में ये पेंट किया है, पहले ये नॉर्मल जैसे वुडन कलर होता है उस तरह के होते थे, तो ये इसलिए नहीं खुल रहा था। यहाँ देखो ये बंद किया है, ये आग वाली किचन के साथ कनेक्टेड है ये वाली विंडो, तो कुछ भी सामान होता था तो हम यहाँ से पास कर लेते थे इधर उधर। और ये देख सकते हो आप वहाँ की लाइट भी जल गई है जब मैंने यहाँ की जलाई, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन साथ में था, मैंने आपको पहले बता दिया था। अरे और उसके बाद यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए ही है, ये इसे तीरा कहते हैं, और यहाँ पर ये प्लाई बाद में लगाई गई है। और यहाँ पर बहुत सारा तेल है, इसमें है धनिया, बस इतना ही है। और इस तरफ को भी इस पे बिस्तर रखे हैं, यहाँ ये सिंगल बेड नहीं होता था पहले, नीचे बिछाया होता था सोने के लिए। और यहाँ पर पूरी वॉल पे शेल्फ है, इसमें सामान वगैरह के लिए ही है। और इधर वॉच है, वॉच के साथ मैं आपको इस वॉच पे दिखाती हूँ किसकी फ़ोटो है। ये है हमारे पापा की फ़ोटो, ये उनकी जवानी की फ़ोटो है। और ये वॉच ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, मैं अभी 21 ईयर्स की होगी, उससे पता नहीं कितने पहले की होगी। और यहाँ पर सामान ही रखा है दादू ने। और इस वाले जो तीरे में मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर बर्तन रखे जाते हैं, तो इस तरफ आप देख सकते हो एक्स्ट्रा जो थालियाँ वगैरह होती थी वो, क्योंकि हम इस रूम में ना खाना खाते थे तो किचन में भी खाते थे, तो दादी ने ना हमेशा ऐसे किया होता था, अगर तीन लोग रह रहे हैं तो तीन ही थालियाँ रखे गए, चार रह रहे तो चार, और एक्स्ट्रा थालियाँ वगैरह जैसे डोंगे वगैरह वो यहाँ रखी होती थी, प्लेट्स भी यहीं रखी है उन्होंने। शेल्फ के साथ ही दो दरवाजे, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर जाने के लिए, इसमें तो शायद मैं फिट भी नहीं होंगी, लेकिन दादू तो हो जाते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, तो इसे बोलते हैं चांडा। यहाँ पर भी गाइस यहाँ से चढ़ते हैं इसमें, यार मैं कोई में इससे तो नहीं चढ़ा जाएगा, चढ़ना पड़ेगा, ये तो रखा है यहाँ पर। गाइस यहाँ से मैं ऊपर जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, देख कैमरा दे गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुला स्पेस है, ये देख सकते हो आप पूरा, यहाँ पर भी पहले सामान रखा होता था अब नहीं है। ये देख सकते हो आप छत, पत्थर का छत है और उसमें फिर नीचे से लकड़ियों का ऐसे सहारा है, फिर जाके छत बना है। और वहाँ ऊपर मुझे दिख रही है बहुत सारी दराटी जो कि घास काटने के लिए होती है। और यहाँ पर भी खेत का ही सामान रखा है, जैसे दराटी वगैरह रखी है जो कि यूज़ होती है खेत में, तो यही नज़दीक में रखी है ताकि हाथ रख के मिल जाए। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ तो मैं हो जाती हूँ फिट, इतना तो मुझे पता है भाई, नीचे कुछ हो जी गाइस, आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ, मेरा पैर भी नहीं आ रहा था इस पर। तो अब मैं इस तरफ का दिखा देती हूँ आपको, पहले ये मैंने जो आपको विंडो दिखाई थी ओबरे के बाहर से, ये वो है, अरे खुल जा सिम सिम, कैसे खुलती है, अरे दिख नहीं रही, कीले लगी हुई, अच्छा ये बंद हो गई है गाइस हमेशा के लिए।
मतलब इसे लॉक किया गया था, तभी यहाँ पर ही रखा था कि खुले मतलब राशन क्या जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है जैसे आटे के गट्टा वगैरह होता था वो, तो वो इस तरफ रखा जाता था पहले जो जितना मैंने बुआ वगैरह से सुना है। यहाँ पर ना सोते भी थे, पांड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मतलब सब लोग सोते थे सर्दियों में, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता था और जब भी किसी का ऐसे नया बेबी होता था तो उनको पांड में ही रखा जाता था क्योंकि जो जब नया बेबी होता है तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ऐसा गर्म गर्म होना चाहिए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता था तो यहाँ रखे हैं पतीले और जिसे बोलते हैं केतली जिसे चाय देते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा तवा है देख सकते हो आप, इसमें हमने चपाती बनाई है। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये भी जो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ये जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था आटे के लिए वैसा ही है ये, कुछ भी मिला है। और ये किस लिए होता होगा यार, ये गाइस ऊन के लिए होता है। अब इसके बारे में आपको कैसे बताऊँ, जो ऊन होती है ना उसको ऐसे ऐसे करके इससे वीव करते थे और ऐसे धागा बनता था, फिर उससे ऊन के कोट ऊन की जुटकी वगैरह बनाते थे। तो अभी इनका कुछ ऐसा काम है नहीं है। और ये देख सकते हो आप टोकरी, इसमें शायद मेरे को लगता है हॉट केस की तरह तो नहीं करते होगे इसको यूज़, मेरे को लग रहा है ऐसा। इस तरफ को भी यहाँ पर ट्रंक है और ट्रंक के नीचे जो ये डोर दिख रहा है आपको, ये ना नीचे जाता है ओबरे में, मैं गई हूँ यहाँ से एक बार लेकिन ये ना बंद कर दिया, अब हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। यहाँ से मैं गई हूँ एक बार नीचे पूरा और फिर मैं ऊपर भी आई हूँ। और इस तरफ ये देख सकते हो आप लाइट के स्विच है, पुराने ज़माने में ऐसे स्विच होते थे। ओ और यहाँ पर है टेबल, टेबल पर ये भी कुछ रखी हुई है, पता नहीं इसमें कुछ खाने का ही सामान होगा। और यहाँ पैकेट्स में ये नहीं पता मुझे क्या क्या है और मैं इनको खोलना भी नहीं चाहती हूँ। गाइस यहाँ पर बीच में ये कुछ है, पता नहीं शायद हवन के लिए होता होगा ये, पता नहीं मुझे इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। और हमारे साथ दादू भी नहीं, अभी वो गई गए तो अभी हमारे हमें बताने वाला अभी कोई नहीं है। और नीचे भी देख सकते हो आप पूरा लकड़ी का ही फर्श है। और अब मैं आपको डोर का दिखाती हूँ, डोर में आप देख सकते हो किस तरह का लॉक है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, इसे जब ये निकलता है फिर इसको निकाला जाता है फिर जाके डोर खुलता है। और इस डोर से बाहर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ से मेन एंट्रेंस नहीं थी, ये बंद ही रहता था। और बाहर जाते हुए यहाँ पर एक बालकनी है और इसी तरफ को यहाँ पर एक और डोर है, यहाँ पर भी सामान रखा होता है इस वाले रूम में। अब तो पहले के टाइम में मुझे नहीं पता क्या होता था। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस ऊपर की तरफ। कनिका फंस मत जाइयो, कैसे देखो कितना मैजिकल है, मैजिकल तो नहीं मिस्टीरियस। भाई मेरा बहुत सर बच गया यार। ओए लाइट तो ऑन रहेगी नीचे, क्रिश लाइट बंद कर ले, लाइट बंद कर। ये हमारा सीक्रेट डोर बंद हो चुका है। इसी वाले पिलर में ना हमने झूला लगाया होता था हमेशा, अदिति वगैरह को याद होगा है ना, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए सही में। यहाँ मुझे शुरैक में एक और नई चीज़ मिली है, इनको बोलते हैं पूले बोलते हैं इनको, पैर में पहना जाता है, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। इनको अब शायद मंदिर वगैरह में ही पहनते हैं और पहले पहना जाता था। ये ऊन के बने हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बांध दियो ज़रा भाई, कितने मस्त है। वाह यार गाइस ये देख सकते हो आप, इससे पहले से पहन लेने चाहिए था मुझे, ये मस्त लग रहा है, कितना अच्छे कलर है इनके। तो
यही था मेरे पुराने घर का होम टूर व्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। तो इस वीडियो में भी आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा पुराना घर। तो आपको मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। चकचना।